ओके तो हम लोग कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर की, है ना। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सो सो जनरली अभी तो आपको दे रखा है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्वेश्चन में दे रखा है कि विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। ओके सो अब क्या आपके पास है, जैसे ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू, मान लो इस तरह से जी एक्स है इन जनरल, ठीक है ना। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। पहला लिखेंगे सी एफ प्लस पी आई। सो इस सी एफ होगा सॉल्यूशन ड्यू टू, ये जो होमोजेनियस पार्ट है इसकी वजह से ये पार्ट आएगा, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे, और ये जो सॉल्यूशन आएगा ड्यू टू दिस, सो ड्यू टू नॉन होमोजेनियस पार्ट, सो ये होगा सॉल्यूशन ड्यू टू जी एक्स जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर कोई राइट साइड में अगर जीरो है तो सिर्फ सी एफ ही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल है ना। ठीक है, सो ये जो सी एफ का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और PI का मतलब हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इस तरीके से। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ऐसा कुछ क्वेश्चंस करके देखो। तो जनरली क्या, जो PI होता है वो PI को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो जो PI होगा वन अपॉन जो आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इंटू जी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, d क्या है, जो कैपिटल d लिख रखा है वो d अपॉन डी एक्स है, ये समझ लो। सो जो कैपिटल d आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली d अपॉन डी एक्स। सो उसका नोटेशन है d अपॉन डी एक्स को उस तरह से लिख रहे हैं। तो इसको तुम अगर ऐसे लिखना चाहो जैसे मैंने अभी लिख रखा है ना,
सो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इंटू वाई इज इक्वल टू जी एक्स। तो जो डी जो दिख रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स है, जो आपका कैपिटल डी है वो डी अपॉन डी एक्स है। ठीक है, इस थ्योरी में किसी को डाउट है? आपके सिलेबस में मेनली ये सेकेंड ऑर्डर में इतना ही यही पढ़ना है इसके बारे में। अब इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हें समझ आएगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। और सेकेंड ऑर्डर की बात किया है, सो हमने सीएफ के बारे में तो पहले ही बात किया है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में इसका ना ऑक्सिलरी जो होता है, सो होता क्या है, टू फाइंड सी एफ आपके पास क्या है, ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई जीरो, ये ना इस तरीके से। और सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, सो आप ऐसा लिखो, किसी वेरिएबल के टर्म में लिख लो, मान लो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी जीरो। अगेन आपने देखा था कि इसमें दो तरह के केसेस हैं, अगर m की वैल्यू दो आती है, m1 कॉमा m2 दोनों रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, सो दोनों डिस्टिंक्ट है तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है, इस तरीके से है ना। और अगर एक m दोनों सेम ही आता है, रियल एक्चुअली दोनों इक्वल ही है, सो मतलब दो सॉल्यूशन आए दोनों m, मान मैं बोल दिया m बोल रहा हूं, तो उस केस में जो आपका सॉल्यूशन आपने देखा था ये था सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर एम एक्स। ठीक है, और जब एम कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो वाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, इस तरीके से। ठीक है, ओके तो ये हो गया CF फाइंड, ये सब जो फाइंड कर रहे हैं CF है, एक्चुअली YX जो लिख रहा हूं मैं ये अभी CF है, क्योंकि अगर GX नॉन जीरो है ना, सो दीज आर CF, ओके है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो तो आगे जो है, अब PI में क्या है आपको वही सॉल्व करने, सो फॉर जो पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होगा वही था जो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी और जी एक्स। अब ये जी एक्स पर डिपेंड करेगा, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, सो ये जी एक्स पर डिपेंड करेगा, सो इसको अब कैलकुलेट करना है आपको। सो कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो टेक्निक आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगी, फिर साथ में उसी में थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो जो बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं कि डिग्री 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो हमें मेनली सेकेंड ऑर्डर की बात करनी है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सो वही देखना है। सो पहले तो ये होमोजेनियस सॉल्व कर रहा है, तो
देखो एक क्वेश्चन सॉल्व, कल हमने बताया था ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ. सो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास वो कुछ इस तरह से है, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 3x. आप लोग ट्राई कीजिए, कल बताया था ना. तो pi अगर मान लो यहां पे होता है कि पहला केस, केस 1 ले लो आप. सो इसमें क्या है, अगर gx आपका मान लो e की पावर ax है सपोज, सो जो pi होगा इस केस में, अच्छा a तो हमने यूज कर रखा है तो मैं कुछ और वेरिएबल लेता हूं, लैम्डा x ले लो. सो सिंपली आपको क्या करना है कि a d स्क्वायर प्लस bd, मैं लास्ट क्लास में ये थ्योरी डिस्कस कर चुका हूं पहले, जब e की पावर ax होगा तो क्या करेंगे, है ना. सो इसमें जस्ट आप लैम्डा रख दोगे, सो कुछ नहीं इसमें करना है, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो. ठीक है, इनटू, सो क्या आ जाएगा, e की पावर जस्ट मतलब ए नहीं रहेगा लैम्डा एक्स. सो ये कब है, व्हेन दिस डिनोमिनेटर ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज नॉन जीरो, ये चीज है. ठीक है, सो आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए. अच्छा करने एक बार, क्या c1 e raise to power x plus c2 e raise to power 2x plus e की पावर 3x by 2. एक मिनट, c1 e raise to power x, c2 e raise to power 2x हाँ, बाकी लोग चेक कीजिए क्या आपका भी यही आ रहा है. Where C1, C2 are arbitrary constant, है ना. ठीक है, बाकी लोग भी वेरीफाई कीजिए. ठीक है भाई, आगे बढ़ूं या सॉल्व करूं इसको, पहले इसका वो df निकालना पड़ेगा. यस यस, df प्लस df. यस यस यस, ठीक है ना. सो आप सबका ये आंसर, पहले cf निकालने हैं फिर pi निकालने हैं. और cf के लिए बताया है कि जो टेक्निक है आपके पास कि सो ये cf के लिए ये था कि जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो फिर देखो सॉल्यूशन रियल डिस्टिंक्ट है या रियल इक्वल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके हिसाब से आपका सीएफ आ जाएगा. फिर पीआई निकालने का ये तरीका है, ई की पावर है डायरेक्टली पुट कर दो, अगर जीरो आ जाता तो आप एक्स बाहर मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर देते डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे समझ लो. फिर भी जीरो आया फिर डिफरेंशिएट कर लो एक्स मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से रूल्स हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ
अगर किसी को लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं मान रहा हूँ सबका हो गया है। सो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका बताओ क्या आएगा। एग्जाम में ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, क्योंकि है ना ये बहुत है कम टाइम के एग्जाम, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए। एक मिनट, वो माइक चला गया होगा शायद, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, हाँ बताओ क्या आंसर है। c1 e to power x क्या सभी का ये आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या आपका भी ये आंसर आ रहा है? हाँ ना बताओ भाई। C1 e to the power x, x to the power x, c1 e to the power x, x to the power x, c1 e to the power x, x to the power x, c1 e to the power x, x to the power x,
यस यस सेम आंसर आएगा आपका, वो सी वन सी टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ूं? बाकी लोग कोई जवाब, या दो ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों के आंसर आया कि नहीं आया? अच्छा नहीं आया, तो बताओगे तभी तो पता चलेगा नहीं आया। हाँ सो आपको पूछना चाहिए ना कि अब मैं मान लो आगे बढ़ जाऊं फिर, तो जब तुम्हें नहीं आ रहा तो ऑनेस्टली बताओ ना कि नहीं सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या है, इस तरह से डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास है एक्चुअली, उसी को रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो सी एफ तुम्हें पता ही है, सी एफ में क्या है, जस्ट तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है कुछ इस तरह से है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस टू एंड वन। अच्छा तो यहां से सी एफ तुम्हारा आ गया सी वन ई की पावर, कोई भी लिख सकते हो, सी वन सी टू इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स, सी टू ई की पावर एक्स, ये ना, तो इस तरीके से आ गया। अब ये सी एफ है, पी आई निकालने हैं, चलो पी आई ट्राई करते हैं। सो व्हेन यू फाइंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये होगा जो फैक्टराइज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू ई की पावर एक्स है ना, सो आप इसको लिख सकते हो डी कितना प्लस टू इंटू डी माइनस वन, इस तरीके से ई की पावर एक्स। अब क्या है कि जैसे आप एक्स को वन, अगर यहां एक्स को आप वन रखो, मतलब डी की जगह वन रखो, अगर आप डी को वन रिप्लेस करोगे तो वो जीरो हो जाएगी, so 1 upon 0 not defined हो जाएगा, तो मतलब you cannot replace, but यहाँ पे आप replace कर सकते हो, तो इसमें put कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें put करोगे तो क्या होगा, ना यहाँ कर सकते ना भाई, तो इसको put करो d, इसमें d के place पे 1 रखो, तो क्या हो जाएगी 1 by 3 d minus 1 e की power x, यही है अभी, हमने क्या किया, जो coefficient है इसका, coefficient जो e की पावर में x का कोएफिशिएंट है वो हमने रिप्लेस किया d के प्लेस पे। सो इस फैक्टर में पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, तो इसका तरीका क्या है, कि इसका तरीका ये है कि अब तुम x से बाहर मल्टीप्लाई करो और इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, सो क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन इसकी, सो 1 अपॉन 3 * 1 e की पावर x, तो फाइनली आ गया x e की पावर x बाई थ्री। ठीक है, ये अरे हाँ ना बोलो भाई, ये समझ आया कि नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। तो हाँ ना बोलो, इतना टाइम लग जाता देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, सो इस तरह से ई एक्स में जो भी होगा ई की पावर में कोएफिशिएंट को पुट करना है, नहीं तो फैक्टराइज करके देखो, और अगर जीरो आ रहा तो वैसे भी डिफरेंशिएट तुम कर सकते थे, ठीक है, या यहीं पे भी तुम डिफरेंशिएट करके फिर डी को वन पुट कर दो, है ना, ये फैक्टर नहीं करो तो भी चल जाएगा, यहां पे देखो जीरो हो रहा है तो इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो डी के रेस्पेक्ट में और डी को वन रख दो तो भी हो जाएगा, एक्स बाहर रखना पड़ेगा उसके लिए, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो होगा साइन या कॉस वाला है, ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्या होगा उसमें क्या करोगे, सो अगर देखो सी एफ निकालने के तो सेम ही तरीके हैं सबने, आपको मेनली पी आई डिसाइड करना है क्या होगा, सो उसके लिए पी आई के लिए क्या करोगे,
सो मान लो अगर ऐसा हुआ, हाँ यस यस, तो मान लो सपोज यहाँ मैं लैम्डा लिख देता हूँ, साइन लैम्डा एक्स या कॉस लैम्डा एक्स है ना, सो जी एक्स की वैल्यू या तो साइन लैम्डा एक्स या कॉस लैम्डा एक्स है, ठीक। सो क्या करोगे तुम, तो जो पी आई होगा, सी एफ तो सेम तरीके से आएगा, जो पी आई होगा तुम्हारे यहाँ पे जो भी है, मान लो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी है ना, तुम्हारे पास सिर्फ सेकेंड ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट होगा। सो यहाँ से आएगा साइन लैम्डा एक्स है ना, ये अगर है या कॉस है कोई दिक्कत नहीं है। सो करना क्या होता है, डी स्क्वायर के प्लेस पे यू हैव टू, मतलब इन जनरल करके बता दे रहा हूं, सो तुम क्या करोगे, जो डी स्क्वायर है उसके प्लेस पे रखोगे, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस लैम्डा स्क्वायर यहां पे, यही ना, सो वन अपॉन ए टाइम जो डी स्क्वायर की जगह रखोगे माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी, ये हो गया साइन लैम्डा एक्स। अभी भी डी बाकी है तो अब क्या करोगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, या तुम फिर से डी स्क्वायर बना सकते हो ना डिनोमिनेटर में, हाँ, सो डी से मल्टीप्लाई करके या इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसे क्वेश्चन से इजीली समझ आएगा तुम्हें। देखो मतलब क्या करना, देखो मान लो इसको तुम ठीक कर दो अभी, सो बी डी प्लस सम कॉन्स्टेंट होगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो डी प्लस ए है तो डी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उस डी स्क्वायर को फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर रख देंगे। तो इसको अगर तुम ठीक से लिखो, जैसे वन अपॉन, जैसे ये बी डी प्लस सी माइनस ए लैम्डा स्क्वायर, तो इसको एक साथ रखो, अब ये डी है ना इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट क्या बीच में माइनस, तो बी डी माइनस दिस क्वांटिटी, सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सो ऊपर डी रहेगा, डी मतलब डी अपॉन डी एक्स है, डेरिवेटिव है, तो तुम्हें न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो साइन लैम्डा एक्स रहेगा। अब क्या करना, तुम्हें फिर से डी स्क्वायर बनाने हैं इसमें, तो डी स्क्वायर बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, सो कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर, मैं देखो करके बताता हूं, मैं इन जनरल थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन से इजीली समझ आ जाएगा। सो इसमें यह है कि मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि बी डी माइनस सी माइनस ए लैम्डा स्क्वायर न्यूमरेटर में, और सेम चीज तुम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और अब क्या आ जाएगा, इनटू में साइन लैम्डा एक्स, अब देखो यहां डी स्क्वायर दिख रहा है फिर से तुम्हें, सो इस डी स्क्वायर को तुम रख दोगे माइनस लैम्डा स्क्वायर, अब इसको यहां से तुम मल्टीप्लाई कर देना, सो बी डी को साइन लैम्डा एक्स से, सो इस डी का मतलब क्या, कैपिटल डी का मतलब डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव, हाँ डिफरेंशिएशन, यस, तो तुम्हें बी टाइम इसका ऊपर हो जाएगा बी टाइम डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लैम्डा एक्स माइनस, ये ऐसी रहेगा सी माइनस ए लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा एक्स, और अपॉन में इस डी स्क्वायर को पुट कर लो माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सो यही आंसर होगा जो सिंप्लीफाई होकर आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो उस तरह से होगा, फिर वही डिफरेंस उस तरह तरीका आप लगाएंगे। आंसर आ जाएगा, यही पे आंसर आ जाएगा, कंटिन्यू नहीं करना, देखो मैं एक क्वेश्चन इसमें लिखता हूं तो इजीली समझ आएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा, सो क्वेश्चन से करके देखते हैं। सो जो क्वेश्चन आपका है, थ्री है, दो की अभी हमने, तीन की है हमने, 1 2 किया था, 3, ठीक है, सो ये थर्ड नंबर है, ठीक है, सो इसको करके देखते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी दो हमने किए थे ई एक्स वाले, अब साइन वाले करते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, जैसे क्वेश्चन है पहला,
कि आपके पास है सॉल्व y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन टू एक्स। सो इसको आप लोग पहले ट्राई करके देखिए, फिर मैं करता हूं। जी जी बताइए आंसर क्या है आपका। सो सी वन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, सी टू ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स अपॉन माइनस थ्री, साइन टू एक्स अपॉन में माइनस थ्री। ओके बाकी लोग बताइए आपका भी यही आ रहा है क्या। कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। ओके हाँ, इसने प्लस माइनस समझ के कर दिया है ना। हाँ यस, तो आपका क्या रहा है? पी आई सेम रहेगा। हाँ उसमें डिफरेंस देख लो क्या है, पी आई में भी सेम कैसे रहेगा, माइनस फोर प्लस वन। हाँ ठीक है ओके, सी ए बदल जाएगा ना। तो एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज कर सकता है वो भी। बताओ फिर दूसरे आंसर क्या आया। हाँ जी कौन बता रहे थे? C1 plus C2 x e की पावर माइनस x। एक मिनट C1 plus C2 e की पावर माइनस x, e की पावर जीरो गया C1। मैं समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। e की पावर माइनस x ऐसा C1 plus C2 e की पावर माइनस एक्स ऐसा। ओके सो प्लस 2 cos x प्लस 4 sin 2x अपॉन माइनस 20 माइनस 20। ओके चलो बी ऑप्शन ये आया। बाकी लोग और अब पता नहीं उसका आ रहा भी चेक करेंगे सॉल्यूशन में करूंगा तो। सर इमेजिनरी मेजरमेंट ये आ रहा है कि c1 sin x plus c2 cos x, c1 sin x c2 cos x, c2 cos x। हां और सर वो भी तो सेम ही है sin 2x upon minus 3। ठीक है और किसी का कोई और आंसर आ रहा है बताइए। अच्छा ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ गए मान लो, क्योंकि डिफिकल्ट तो आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला नहीं आएगा, टाइम है नहीं ज्यादा। सो अगर ये क्वेश्चन आता सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले सी ए फाइंड करने के लिए आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस डैश है ही नहीं, तो डी तो है ही नहीं, तो इसको अगर मैं ठीक से लिखू, देखो बुक में यही चीज कई बार ऐसा लिखा रहता है d स्क्वायर प्लस 1 इनटू y बराबर साइन 2x, ऐसा लिखा रहेगा, y बाहर है, d स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर प्लस 1 इनटू y बराबर साइन 2x। ओके सो यहां से आएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, चेक करो तो आयोटा मतलब जीरो प्लस माइनस आयोटा, यही ना।
सो तुम्हारे पास जो जीरो प्लस माइनस आयोटा है, सो जो सी एफ है वो तो हो गया ई की पावर जीरो एक्स सी वन कॉस बीटा, तुम याद रखो साइन वाला क्या, कॉस वन प्लस सी टू साइन, या साइन ले लो बात वही है, वन एक्स। हाँ हाँ एक्स मिस हो गया, सो वन एक्स मतलब बीटा एक्स होता है ना, सो सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, सो ये आपका आ गया सी एफ। पी आई के लिए आप क्या करोगे, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इन टू साइन टू एक्स। अब साइन में क्या करते हैं, मैंने बताया कि जो कैपिटल डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस करेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर से, लैम्डा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो क्या होगा वन अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस टू स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा साइन टू एक्स, जो रूल है ठीक है ना। सो इसमें रूल क्या है कि जो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस लैम्डा स्क्वायर से, लैम्डा कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है इसका, सो इस तरीके से। सो यहां से आ गया हमारे पास इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री साइन टू एक्स, ठीक है, तो मतलब ये हो गया साइन टू एक्स अपॉन थ्री माइनस थ्री, तो ये हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, सो ये एक्चुअली ई की पावर जीरो एक्स तो वन ही होता है, सो सी वन कॉस एक्स सी टू साइन एक्स, इस तरीके से पी आई फाइनल सॉल्यूशन हुआ सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस दिस, ठीक है जी। हाँ जब तक, हाँ डी खत्म हो जाए तो स्टॉप कर दो, डी रहेगा तो चलता रहेगा, जैसे यहाँ डी खत्म हो गया ना आपका, डी अब है क्या नहीं ना, तो जहां पे डी खत्म हो जाए वहां पे स्टॉप हो जाओ। हाँ फिर असलाइज करके मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ उस पर जो आप कह रहे हो, सो उसको फिर असलाइज करके फिर डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, फिर हटाएंगे डी को हटाएंगे, जब तक डी हट जाएगा तो जो पी आई है वो सिर्फ एक्स के टर्म में आएगा, सॉल्यूशन सिर्फ एक्स में होगा, इसमें कभी कैपिटल डी नहीं होना चाहिए। सो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो ये थर्ड था ना, सो फोर्थ लिखते हैं, किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसी में देखो ये जो क्वेश्चन था, अगर हालांकि बुक में देखो, जैसे मान लो ऐसा है, y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू साइन x या प्लस y, सेम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हाँ हाँ चलो करो ट्राई करो, सी एफ तो सेम रहेगा पी आई चेंज हो जाएगा, हाँ ट्राई करके देखो एक बार सीखने को मिलेगा। दूसरा भी लिखता हूँ मैं, सो दूसरा है वाई डबल डैश माइनस एट वाई डैश प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर्टी साइन फाइव एक्स, इसको करके देखो। मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा लेकिन, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा वो, तो दूसरा केस आगे, इसका केस, इसका केस, इसका केस बताया नहीं तुम्हें मैंने ना, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो क्या करना है। सो चलो तुम वो भी रखते हैं, सिक्स जो मैं बताना चाह रहा था ये कि ये करके देखो,
चलिए तीन क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसी में सारे। अब साइन की जगह कॉस भी होगा तो सिमिलर रूल चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूं। जी हाँ, क्योंकि वो तो दूसरे तरीके से आंसर आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे आएगा। बाकी दो ट्राई कीजिए। हाँ नहीं नहीं हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरे तरीके से आएगा। जैसे ई की पार्ट लैम्डा एक्स वाले में था कि आपको एक्स बाहर रखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ दूसरा रूल है, तो यहाँ बताऊंगा क्या रूल है। माइनस एक्स बाई टू कॉस एक्स, चेक करता हूँ आंसर तो पता नहीं है क्योंकि मैं लिखा देखता हूँ। हाँ पी आई है ना, ओके okay. चौथा वाला छठा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा छठा आप लोग ट्राई कीजिए, तीनों प्लेट ट्राई कर लीजिए। बताओ सिक्स का सी वन प्लस सी टू माइनस साइन एक्स। अच्छा सिक्स का, बाकी लोग भाई बाकी बताओ।
सिक्स का पीआई आया है। बोलो। फिफ्थ का पीआई है। हाँ फिफ्थ का, ठीक है बताओ। 25 cos 5x plus 10 sin 5x 10 sin 5x upon 29। अच्छा टोटल अपॉन 29। ओके अपॉन 29, ठीक है। उसको डी लेते हैं, विदाउट डेरिवेटिव है, सिर्फ कोएफिशिएंट लेंगे। ये एक्चुअली कुछ ऐसा है, डी स्क्वायर प्लस वन इनटू वाई बराबर साइन एक्स। तुम पहले ऐसे लिख लिया करो, बेटर रहता है। ये जो है डी स्क्वायर माइनस एट डी, अच्छा हाँ वाई नाइन रह गया मेरा, सो नाइन इनटू वाई। हाँ और ये जो आपके पास है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ भी मैं क्या कर दिया, अरे यार एक मिनट मुझे क्या लिखना था। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ ना, ये तो वन क्या है, ये मेरी गलती है, ठीक है ना। एक मिनट, तो मैं क्या करना चाह रहा था, माइनस वाई डैश माइनस वाई। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई टर्म कॉन्स्टेंट यहाँ कैसे होगा, या वो ठीक था तो उसको बदल ले जाओ, मतलब वो है फिर उसको उससे ही ले जाना पड़ेगा, वन को उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो उससे कर दूं। सर वो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि तो इसको वाई को मन पुट करते हैं और डी उसको डबल डेरिवेटिव बनेगा। यस यस वैसे मैंने करके सॉल्व किया सर। कैसे भी करो ये तो, एक तो या तो इसको मैं इधर वन को उधर ले जाऊं तो वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, या अगर मान लो यही क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब ठीक ही है ऐसे, तो वन प्लस साइन एक्स हो गया, इस तरीके से हो गया ऐसे तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस कुछ और था, तो ठीक है चलो मैं क्या करके सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो तो मैं सातवां लिख देता हूँ, मैं क्या क्वेश्चन देना चाहता था। ठीक है ये हमारे पास है, ठीक चले की करके सॉल्व करते हैं। ठीक है रिड्यूस हो गया, ऐसा हो गया ना। सो कहां से स्टार्ट करूं, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सो ये चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो यहीं पे साइन वाला केस खत्म हो जाएगा ना। सो चलो पहला से स्टार्ट, फोर्थ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये था आपके पास y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन x, ये था ना। सो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई बराबर साइन एक्स।
तो जब आप सी एफ निकाल रहे हो तो सबसे पहले सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे जीरो, सो एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ से सी एफ आपके पास आ गई सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। जहां भी डाउट हो वहां अनम्यूट करके पूछो, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास, जो पी आई होगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स, ठीक है। सो डी स्क्वायर को माइनस वन पुट करोगे नॉट डिफाइंड हो गया, तब यहां तो प्रॉब्लम हो गई। सो देखो यहां तो एक फॉर्मूला है वो यूज कर लो, या फॉर्मूला मैं प्रूव कर दूं, है ना। सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फॉर्मूला हालांकि इस तरह के फॉर्मूले हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सो जो रिजल्ट है प्रूफ भी इजी है इसका। सो रिजल्ट ये है कि अगर आपका पीआई कुछ ऐसा आ रहा हो, कि पीआई अगर ऐसा होगा कि वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा एक्स, अब साइन हो या कॉस हो सिमिलर रूल है, ठीक है। सो साइन लैम्डा एक्स या कॉस लैम्डा एक्स, तो उसके हिसाब से चेंज होगा एक्चुअली। तो पहले अगर साइन है तो क्या होगा, मतलब प्रोसेस वैसे ही रहेगा कि डी स्क्वायर को माइनस लैम्डा स्क्वायर ही पुट करना है, बट डेरिवेटिव में डिफरेंस आएगी ना जब प्रूफ करोगे। तो इस केस में आंसर जो आएगा आपका, तो इसका आंसर आता है माइनस एक्स अपॉन टू लैम्डा, और साइन जो है कॉस बन जाएगा कॉस ए एक्स, मतलब कॉस लैम्डा एक्स, क्योंकि मैं ए कोएफिशिएंट ले रहा हूं, तो कॉस लैम्डा एक्स। और अगर पी आई जब आपका इस फॉर्म का है वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस लैम्डा एक्स, सो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स अपॉन टू लैम्डा साइन लैम्डा एक्स। देखो ये फॉर्मूला है, प्रूफ कैसे हुआ है, तो अगर इसका प्रूफ की बात करें, सो प्रूफ में कुछ मुश्किल नहीं है। देखो तुम लोग ये जानते हो इसका प्रूफ ये कैसे आया, मैं बताया था उसका बैकग्राउंड। So, जो प्रूफ इसका आता है तो इससे आता है कि e की पावर आयोटा लैम्डा एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, बताओ। e की पावर आयोटा थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, e की पावर साइन और कोस हो जाता है। हाँ 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 यस यस, सो e सो ये है कॉस लैम्डा एक्स, ठीक है ना। तो यहीं से प्रूफ आता है, जो कॉस लैम्डा एक्स यहाँ पे, ये साइन लैम्डा एक्स है ना, तो इसके जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो यहां हम साइन क्या देख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके जगह तुम e की पावर i लैम्डा x लिख दो, और जैसे e की पावर x में करते थे सेम करते जाओ, तो लास्ट में भी आंसर तुम्हारा ऐसा ही आया, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो चूंकि साइन तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट था, तो उस आंसर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ये आएगा। सेम अगर कॉस के लिए कर रहे हो तो कॉस लैम्डा x की जगह भी तुम ये पुट कर दो तत्काल, e की पावर आयोटा लैम्डा x। अब e की पावर आयोटा लैम्डा एक्स, जैसे e की पावर लैम्डा एक्स के लिए करते थे, सेम प्रोसेस सॉल्व करते जाओ, और एंड में जो भी आंसर आएगा उसमें भी समथिंग प्लस समथिंग आयोटा होगा, क्योंकि यहाँ कॉस क्या था, रियल पार्ट था, तो वहां भी जो आंसर तुम्हारा आ रहा है वो रियल पार्ट ले लो, तो रियल पार्ट तुम्हारा ये आएगा। सो प्रूफ इससे होता है, तो ये यूज कर लो, अगर तुम चाहो तो मैं प्रूफ करके फिर दिखा दूं। प्रूफ के पीछे स्टोरी वही है कि साइन लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा एक्स दोनों की जगह पहले ये पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ई में करते हो तो वैसे ही करते जाओ, और एंड में जो भी समथिंग प्लस समथिंग आयोटा आएगा, तो कॉस यहाँ रियल पार्ट है, तो जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट वाला जो पार्ट आएगा वो आंसर वहां पे आएगा, और चूंकि यहाँ साइन इमेजिनरी पार्ट है, तो जो इमेजिनरी पार्ट वाली आंसर में जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ है वो आंसर लिखना है आप, बस साइन और कॉस की जगह ये लिख के कैलकुलेशन कर लो, तो इससे प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तुम ये यूज कर लो फॉर्मूला, तो देख लो यहां से ये लैम्डा की जगह आपका वन है, ठीक है, लैम्डा की जगह वन है आपका, साइन वाला है, तो माइनस एक्स अपॉन टू जो आंसर बताया था वो सही बताया था आई थिंक, कॉस एक्स ये आ जाएगा। प्रूफ अगर चाहो तो इसको मैं अलग से करके दिखाता हूं, जो मैं बता रहा था, देखो ये आंसर तो हो गया ना, अगर तुम्हें इसको डिटेल में देखना हो कैसे करना है, तो इसको डिटेल में अलग से करके दिखाता हूं इसी चीज को। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि पी आई क्या है, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स, तो मैं ये कह रहा था तुम्हें कि डी स्क्वायर प्लस वन, अब साइन एक्स क्या है, e की पावर आयोटा वन ले लो, मतलब आयोटा एक्स ले लो, था e की पावर आयोटा एक्स को खोलोगे तो क्या होगा, e की पावर आयोटा एक्स को खोलेंगे तो क्या होगा, अरे हाँ कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स,
सो ये हो गया कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, सो कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो गया तुम्हारा। अब यहां पे साइन एक्स तुम्हारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो पहले सॉल्व कर लो, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आंसर ले रहे, तो यहां लिखते हुए चलो, तुम लिखते हुए चल सकते हो, बुक में लिखा होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्यों, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसीलिए इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूं। तो तुम लोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इसको क्या करते हो तुम आयोटा में, मतलब e की पावर आयोटा x है, आयोटा एक नंबर है ना, तो कैसे करते हो इसको, कैसे सॉल्व करोगे एक्सपोनेंशियल के, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तब क्या करते हैं, तो x लेते हैं और क्या करते हो, डेरिवेटिव करो, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 2d हो गया। अब मुझे लेना है इमेजिनरी पार्ट, कंसीडर करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ये x, देखो 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन, d का मतलब जस्ट डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन, तो या तो या सॉरी इंटीग्रेशन क्या रख दो, पुट कर दो वैल्यू, तो e की पावर आयोटा x में क्या करते हो तुम, d के जगह आयोटा पुट करते हैं, यस, वो भी एक तरीका था, 1/d इंटीग्रेशन करो तो भी वही आंसर आएगा, और ऐसे कर लो e की पावर, देखो टेक्निक्स कई सारी हैं, डिपेंड करता है तुमने कितनी स्टडी की है, तुम्हारे पास कितने डिफरेंट टेक्निक्स है, कई सारे टेक्निक्स हैं इसे करने के। सो एक टेक्निक ये हो गया कि हमने इसे पुट कर दिया, अब देखो ये क्या आया, सो इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सो तुम्हें लेना है इमेजिनरी पार्ट, सो यू हैव टू कंसीडर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सो x आयोटा को थोड़ा वो कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सो x है आयोटा हटाना, तो क्या करेंगे x upon x आयोटा माइनस टू, समझ आया क्या किया मैंने, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और e की पावर आयोटा x को खोलोगे तो क्या होगा, cos x plus iota sin x, so finally you have to consider imaginary part of, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये कैसे आया इसको प्रूफ कर रहा हूं, आंसर यही है, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं कि यहां से यहां तक जो मेथड तुम्हें मैंने सजेस्ट किया अभी, उस मेथड से यहां तक कैसे आया वो प्रूफ कर रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में अगर ये याद है इतना ही काफी है, ठीक है, अब वो प्रूफ कर रहा हूं उसको मैं, सो यहां से क्या करो, इसको x upon minus 2 तो है ही, iota अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो iota cos x प्लस आयोटा स्क्वायर साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, अब इसका इमेजिनरी पार्ट ले लो तुम, जो कम जो नंबर दिख रहा बताओ इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, x cos x upon minus 2, क्या वहां पे यही लिखा है ना, यहां भी लिखा होगा, अच्छा x सॉरी प्लस यहां पे x ना, सो ये माइनस बाहर लिखो या वैसा, x को इमेजिनरी पार्ट लेना है इसका, ठीक है ना, इस क्वांटिटी का इमेजिनरी पार्ट, सो ये हो गया माइनस x cos x upon 2, ठीक है, सो माइनस x cos x upon 2, तो ये मैंने प्रूफ किया इसी को, इस जो मेथड तुम्हें सजेस्ट किया है, सो इसका प्रूफ भी इसी से आएगा, ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ भी वैसे ही होगा जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी तुम्हारे पास, ठीक है ना, सो साइन वाला केस हो, डी स्क्वायर माइनस वन रखो तो क्या करोगे, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तुम कॉस लैम्डा एक्स ई साइन लैम्डा एक्स होगा ई की पावर आयोटा लैम्डा एक्स रखो, और चूंकि कॉस रियल पार्ट है तो फाइनल आंसर में रियल पार्ट लेना, आंसर में साइन इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट लेना, बस वो प्रूफ करके मैंने दिखा दिया तुम्हें, सो ओके है ये मेथड, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये फोर्थ था, तो फोर्थ का आंसर फाइनल क्या हुआ, फोर्थ का फाइनल आंसर हुआ c1 cos x plus c2 sin x minus x/2 cos x, ये फाइनल आंसर है, cf plus pi, तो yx जो होता है वो cf plus pi होगा, ठीक है, तो यहां से yx जो होगा वो है आपका cf plus pi, ठीक है, इस तरीके से cf plus pi, अगला नेक्स्ट, सो अगला पांचवा क्वेश्चन है कि जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, अब ये था कि आपके पास भाई ये दूसरा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 और 40 cos 5x, सो 8 स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 40 sin, बताना दोनों क्या है, सो था क्या था, मतलब भूल भी गया, यहां था 40 sin 5x,
डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 इनटू वाई, यही था क्या? Yes, चलो तो सबसे पहले cf के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 इज 0, फैक्टराइज कर सकते हैं क्या बताओ? हैं 9 वन जा 9, लेकिन माइनस 8 है तो मुझे लग रहा है वो ऐसा था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, चेक कर लो एक बारी कहाँ प्लस कहाँ माइनस। 8 में माइनस है और 9 में प्लस, अच्छा सेम ही है। हाँ नहीं ये होंगे तो ऐसा नहीं, नहीं होंगे देखो। सो चलो सेम जो क्वेश्चन था वही रखते हैं। सो डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9, तो कोई बात नहीं तुम उससे निकाल लो, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 64 माइनस 4ac कितना अपॉन 2a, सो ये हो गया 8 प्लस माइनस घटाओ भाई 64 में 36 28. अच्छा तो ये थोड़े से वैसे कॉम्प्लिकेट से आ गए अपॉन 2 है ना, सो ये हो गया 4 प्लस माइनस 7 चौके 28, सो रूट 7 हो गया। अब ये रियल नंबर ही है, इसमें ये नहीं समझना कि ये इमेजिनरी हो गया, सो ये हो गया 4 प्लस रूट 7 एक नंबर है, 4 माइनस रूट 7 दूसरा नंबर है, तो बोथ रियल नंबर्स, बोथ आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो CF तो आ जाएगा यहां से, CF कितना आ गया C1 e की पावर 7x प्लस C2 e की पावर 4 माइनस रूट 7x, तुम चाहो तो वो कर सकते हो कॉमन में निकल जाएगा हालांकि, सो ये अभी है ना, इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो मतलब ये तुम अगर चाहो तो ये कुछ ऐसा निकल आएगा। नहीं माइनस यहाँ है ना तो 4x निकलेगा कॉमन, सो कॉमन यहाँ 4 निकलेगा, मतलब अगर सिंप्लीफाई करना चाहो और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ई की पावर 4x बाहर करके C1 ई की पावर रूट 7x प्लस C2 ई की पावर माइनस रूट 7x, इस तरीके से हो जाता, ठीक है जी। हाँ क्यों आपको गलत लग रहा है? कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपलीफाई करो वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स है ई की पावर एक्स प्लस या माइनस? और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, सो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी जो आप कह रहे हो ना वो फॉर्मूले बनाए गए, वो भी इससे ही आंसर आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, आप ओपन करोगे तो वही आएगा एट द एंड, हमने जो लिखा है ना वही आएगा, ठीक है। चलो हाँ तो आपका नहीं, आप सही कह रहे हो, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया, आप पीआई के लिए क्या करोगे आप, तो इसका पीआई के लिए 1 upon d square minus 8d plus 9 into 40 sin 5x। अच्छा मैं देखता हूँ क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, गलत तो नहीं होगा, सोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन इसमें था एग्जैक्टली सेम ही लिखा है क्या मैंने? हाँ क्वेश्चन तो सेम ही है। अच्छा तो कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कन्वर्ट किया, बात वही है, आप जो कह रहे हो सही बात है, यहाँ भी उसने कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक लिखा है, आंसर सेम ही आएगा ओपन करेंगे तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्वेश्चन में सही लिखा है, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, चलिए। अरे नहीं नहीं इसी को उसमें लिखता है एक्चुअली, तुम कितने फॉर्मूले याद रखोगे,
कहता है इस तरह का जो केस होता है ना कि ए अल्फा प्लस रूट बीटा जो बता रहा था जैसे, तो उसका आंसर जो है ई की पावर अल्फा एक्स इनटू में, जैसे तुम जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो क्या करते हो, कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, मतलब सॉरी कॉस बीटा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, यही करते हो ना। तो सेम अगर इस तरह केस आ गया, रियल नंबर ही आ गया, तो बस तुम्हें हाइपरबोलिक लेना है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स, मतलब रूट बीटा जो था हमारे पास रूट बीटा ही होगा, सो अल्फा प्लस बीटा। सो इसका आंसर क्या लिखा है उसने, उसने ये लिखा है, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ पी आई अगले पेज पर निकालता हूँ, तो उसने क्या लिखे हैं बुक में, e की पावर 4x c1 cos हाइपरबोलिक रूट 7x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक रूट 7x, ठीक। अब तुम इसको ओपन करके देखो, वही आंसर आएगा फिर भी, क्या होगा, cos हाइपरबोलिक ओपन करके देखो, देखो C1 C2 में दिक्कत नहीं है, तुम C1 को C2, C2 को C3, C3 को C4 लिखते रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शंस कॉमन आएंगे। सेम ही आएगा, तुम चेक कर लो चाहो तो, ठीक है। तो उसने बस याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसा किया है कि जब तुम्हारे पास ऐसा कोई आंसर आए दिस और दिस टाइप का, सो e की पावर अल्फा एक्स कॉस C1 cos हाइपरबोलिक, अगर ये बीटा बोल देता हूँ इसको बीटा, जस्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अगर आ गया, रियल नंबर ही है, तो cos हाइपरबोलिक बीटा x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक बीटा x, इस तरह से। ओके, तो ये तो हो गया आपका। आ गया हो, सो अगला जो है इसका PI, ठीक है, इसका PI की बात करते हैं। डी स्क्वायर माइनस ए डी प्लस नाइन फोर्टी साइन फाइव एक्स, सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा इसमें, हाँ नहीं नहीं डी स्क्वायर को माइनस लैम्डा स्क्वायर कर दो, यही ना, माइनस ट्वेंटी फाइव, यस। सो पहला काम तो ये हो गया आपका, और बाकी इसको भी एज इट इज रखो। इसके बाद जब पुट करोगे आप तो इसको सिंपलीफाई कर लो, सो माइनस एट डी कितना आ गया, सिक्सटीन, चलिए माइनस सिक्सटीन, ये हो गया फोर साइन फाइव एक्स, ये कैंसिल भी हो सकता है ना, अच्छा सॉरी फोर्टी था क्या, फोर लिख दिया, फोर्टी फोर्टी, ओके। तो एट तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, सो एट कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस वन अपॉन 8 कॉमन ले लो तो कितना, d प्लस टू, और 8 से काट दो तो 5 टाइम, तो अब ठीक है ये 5 साइन 5x, चेक करो। अब क्या करोगे, तुम्हें तो साइन में ये पता है कि d स्क्वायर होना चाहिए, तो d स्क्वायर को माइनस लैम्डा स्क्वायर रखेंगे, क्या d स्क्वायर तो है ही, तो क्या मैं d स्क्वायर बना सकता हूँ, तो बना सकते हैं, तो हम ऊपर d-2 से न्यूमरेटर में और d-2 से डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो यहां से आ जाएगी माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर, और आगे रहेगी d-2, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को d-2 से मल्टीप्लाई किया, सो यहां से आ गया 5 साइन 5x, सो यहां से आ जाएगा, वो भी ऊपर आए दो d माइनस टू, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर लो, सो d स्क्वायर हो गया, रखोगे माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स, माइनस ट्वेंटी नाइन ना, क्योंकि d स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव तो माइनस फोर, ओके। अब है आपके पास न्यूमरेटर में फाइव साइन फाइव एक्स, अब इसको ओपन कर लो, सो माइनस माइनस तो काट दो तत्काल, तो वन बाई ट्वेंटी नाइन है, अब d को मतलब इसको डिफरेंशिएट, d मतलब डिफरेंशिएट, d का मतलब डिफरेंशिएट, सो d मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएट कर लो, कितना हो गया 25 sin 5x cos 5x, ओ सॉरी 5 हो गया, sin का डेरिवेटिव cos 5x, हां थैंक यू, आगे माइनस 2 टाइम 5 तो मतलब 10 sin 5x, तो वेरीफाई कर लो एक बार, ठीक है। सो दिस इज योर पीआई,
सो किसी को जी 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 यहाँ तक ठीक है, आपको समझ आया? हाँ हाँ, देखिए क्या करते हैं, आप इस क्वांटिटी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस क्वांटिटी को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना? तो डी को इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब है डिफरेंशिएशन करना। देखो मैं लिख के दिखाता हूं जो मैं कह रहा हूं। सो 1/29 यहां है, डी ऑफ 5 sin 5x माइनस 2 times 5 sin 5x, ठीक है? ओके है यहां पे? अब देखो समझ आया, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। सो डी का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर लो और वो आगे हो गया। ओके है? ओके। सो अगला क्वेश्चन, अब देखो एक और था, मैं चार्ज पे लगा दूंगा। चलो अरे हाँ, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, तो कौन कौन सा हो गया, 4, 5, 6 पे आते हैं। तो 6 को मॉडिफाई करके ये लिखा, क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, मॉडिफाई किया जस्ट। सो वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 1 plus sin x। सो वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 1 plus sin x। सो ये आपके 6 क्वेश्चन है, तो मतलब ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 times y बराबर 1 plus sin x, ठीक। सो यहां से सी एफ, तो सी एफ के लिए पहले क्या करोगे, सो यू जस्ट पुट डी स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आउटा। सो सी एफ तो इजीली आ गया आपका, किसको, प्लस वन को? नहीं भाई वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो राइट साइड में ही होगा, वो जो जी एक्स पार्ट होगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ होता है डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और वाई वाले टर्म। वन तो कांस्टेंट हो गया, वाई तो है ही नहीं उसमें, तो यू कैन नॉट टेक इन टू सी एफ, वो गलत हो जाएगा, तो वन को उधर भेजना पड़ेगा तुम्हें। तुमने देखा है ना फॉर्म कैसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तुम बुक में देखो वो लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो मतलब सॉरी इसमें वाई रह गया, यहां रहता है वाई इंटू वाई, ऐसा रहता है, ये देखो तुम बुक में चेक कर सकते हो। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ क्लासेस पर रिलाई मत करो, चाहे मेरी या किसी की भी, आप बुक से जरूर उस चीज को एक बार पढ़ो, क्योंकि हमारा काम है चीजों को समझाना, तो हमने आपको डिड्यूस कर दिया। अब आप एक बार बुक में जाओ, एक एक लाइन पढ़ो, एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस ट्राई करो, नहीं हो रहा डाउट पूछो, ताकि आपको श्योरिटी हो कि बुक से कि आपने जो भी है सब कुछ समझ आ गया आपको एटलीस्ट। सो कोई एक बुक उठाओ, कोई भी जो बुक ठीक लगता आपको, जस्ट गो थ्रू वंस, ठीक है? सो आप देखोगे बुक में ऐसा लिखा रहेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, यहां वाई रहेगा, सो जो वाई वाले टर्म है वही लेफ्ट में होंगे हमेशा। ओके एनीवे, सो ये हो गया C1 cos x plus C2 sin x, ये तो गया CF। अब PI के लिए आप क्या करोगे, 1 by D square plus 1 1 plus sin x, चलो सो इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लो, सो 1 by D square plus 1 into sin x। अब बताओ क्या करोगे, 1 के लिए कैसे करोगे? सर 1 को e की पावर 0x लेंगे। यस यस, सो आप 1 को रख दो e की पावर 0x, तो ये जो 1 है ये कुछ नहीं e की पावर 0x है,
और अभी आपने e की पावर लैम्डा x के लिए रूल पढ़ा है कि पीआई कैसे आएगा, तो क्या करोगे उसके लिए? आप इसमें क्या लिखो, यही ना कि d को रिप्लेस करते हैं लैम्डा से, e की पावर जो भी होता है उसमें, प्लस यहां पे क्या करोगे, हाँ फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये था माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन टू आया था, साइन है ना यहाँ पे तो कॉस आएगा, तो साइन है तो कॉस आएगा, माइनस एक्स कॉस बाई टू, कॉस होता तो साइन आता, एक साइन एक्स बाई टू आता प्लस में। सो यहां से फाइनली आ गया वन ही आ गया है ना फाइनल, तो वन और ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स बाई टू, चेक कर लो। तो ये पी आई वो सी एफ, तो फाइनल सॉल्यूशन जो होता है आपको पता ही है कि सी एफ प्लस पी आई। किसी को डाउट है तो आप बताइए मुझे। यस यस सेकेंड वे ये है, यस तो उसे भी आप कर सकते हैं कि ले जाके ऊपर ले जाओ, फिर वो एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन का एक्सपेंशन, यस उससे भी यही आएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कई सारे जब आप बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स दिखेंगे। क्लास में क्या है, टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, लेकिन बुक्स में डिफरेंट वे सजेस्ट होते हैं। कई सारी चीज क्लास में जो नहीं बता सकते, क्योंकि एक एक लाइन तो नहीं पढ़ सकते ना, हमारे पास क्या है एक घंटे का टाइम या दो घंटे का क्लास है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कन्वे करनी वो करते हैं। तो बुक जो आप पढ़ोगे तो आपके और पर्सपेक्टिव डेवलप होंगे, चीजों के बारे में और जानकारी मिलेगी। इसलिए हर टॉपिक पे क्लास अटेंड करो ही, साथ में एक बार बुक से भी गो थ्रू हो जाओ टॉपिक कि यू रीड डेफिनेशन थ्योरम्स एग्जांपल एक्सरसाइजेस ट्राई करो। ओके आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन था ना। सो एक और क्वेश्चन जो मैं देना चाह रहा था वो ये था कि नेक्स्ट आई थिंक सेवन था कि y डबल डैश प्लस y प्लस वन, नहीं y डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन x। तो ये आप लोगों ने किया गया, एक मिनट, हेलो जी गुड इवनिंग जी, बताइए। नहीं यूजी के लिए नहीं है, पीजी के लिए। ओके सो ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं साथ में। सो जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज 0, सो m की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर d, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो m की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, यही ना अपॉन 2, तो ये वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो कॉम्प्लेक्स होता ना, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ उसका पार्ट है एक्चुअली। सो एनीवे तो आपके पास जो है m इज माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा, ठीक है। सो ये हमारे पास है, अब यहां से सॉल्व कर लो तो ये आपके पास cf तो आ ही गया, cf आ गया e की पावर माइनस x बाई 2, ये ना cos रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस आयोटा साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ओके पी आई, पी आई क्या होगा? सो पी आई के लिए वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन साइन एक्स। सो आगे अब डी स्क्वायर को माइनस वन रख दो, सो वन अपॉन माइनस डी स्क्वायर को माइनस ला, माइनस वन प्लस डी प्लस वन साइन एक्स। सो यहां से आ गया आपके पास सिर्फ वन अपॉन डी हो गया साइन एक्स, हाँ या तो आप वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है ये समझ लो, या डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना वो चीज है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, या आप डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर डी नीचे डी स्क्वायर को माइनस वन रखोगे आप, और डी साइन एक्स मतलब कॉस एक्स हो जाएगी, तो वही आंसर आएगा फिर भी।
सो ओके है, सो जो वाई एक्स है फाइनली सी एफ प्लस पी आई, तो ऐड कर लो आप, तो जो भी यस यस ऊपर डी है तो डिफरेंशिएशन, वन बाई डी है तो इंटीग्रेशन, यस हाँ? अरे पता नहीं वो कॉल आया था कुछ वैसा हुआ क्या, अरे पता नहीं लैपटॉप लैपटॉप का तो वो खराब है, और ये अभी मैं फोन से एक्चुअली वो कर रखा हूँ, लैपटॉप में क्या वो आ जाता है ना, अगर तुम लोगों ने फेस किया हो वो उस तरह का साइन आ जाता है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा होता है चेंज सिस्टम सेटिंग ऐसा कुछ, पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा, क्लास के बाद ही करूंगा, कहता है कि गो टू योर कंप्यूटर सेटिंग टू अनम्यूट योर माइक एट जस्ट इस लेवल, योर माइक इज म्यूटेड बाय योर सिस्टम सेटिंग, ऐसा कह रहा है, तो उसको सेट करना पड़ेगा कुछ, चलो थोड़ी देर 15-20 मिनट है आज मैनेज कर लो, देखते हैं, अब ये कॉल आया तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी बिगड़ गया सिस्टम शायद, हाँ ओके सो एक और टाइप देख लेते हैं, सो उसमें क्या है कि मेनली यही आया, देखो पिछले साल एक भी क्वेश्चन आया नहीं पीआई पे, जो आपके सीयूईटी 2022 के पेपर है उसमें पीआई पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, वो सिर्फ सीएफ वाला ही था, या अगर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है, तो फॉर्मेशन में क्या होता है कि लाइक आपको सॉल्यूशन गिवन है, आपसे पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो उसमें बस एक लॉजिक ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन से बनाने के लिए कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करो, क्लास 12th में भी था ये टॉपिक कि उतनी बार डिफरेंशिएट करके कंस्ट्रक्ट कर लो, और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सॉल्यूशन टेक्निक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और फॉर्मेशन में क्या होता है सॉल्यूशंस गिवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करते जाओ और आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करते जाओ, तो जो एलिमिनेट कर दोगे एंड में जो आएगा बस जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वो जनरल सॉल्यूशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो उससे बनेगी उसके उतनी ही उसकी ऑर्डर उतनी होगी जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, तो उसके ऑर्डर जो बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो वही रहेंगे। चलो अब अगला केस क्या है कि जैसे एक केस और देख लेता हूँ, हालांकि बहुत डीप में इसको करने की जरूरत है नहीं मतलब, क्योंकि इतना पूछेगा नहीं है ना, क्योंकि ये फिर से ये सब बहुत टॉपिक, हालांकि इसका कोई डेप्थ का कोई एंड नहीं है, लेकिन आपको हर टॉपिक के बारे में जानना है, एटलीस्ट डेफिनेशंस क्लियर हो और उससे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट हो, इनिशियल कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आए हैं, बहुत डीप नहीं आता, डिफिकल्ट नहीं आता। अब जैसे अभी क्वेश्चन हमने देखा था, अब मान लो इस तरह एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आठवां लिख दूं मैं, ठीक है, कि ये होगा कि जैसे इसी तरह क्वेश्चन है सेम यही मान लो वाई डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास e की पावर x इंटू साइन x, अब इसको कैसे करोगे, क्या सेपरेट करोगे, प्रोडक्ट है t के जगह पहले t प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, हाँ, और ex को बाहर बुला लेंगे, हाँ तो इसका रूल ये होता है कि जब pi तुम फाइंड कर रहे हो, मान लो यहाँ पे 1/fd है और e की पावर मान लो लैम्डा x इंटू साइन में कुछ है, मान लो साइन में कुछ भी मान लो बीटा x है सपोज, है ना, तो इसमें क्या करना होता है कि e की पावर लैम्डा x यूजर्स कॉल आउटसाइड और d के जगह d प्लस लैम्डा रख दो, अब साइन बीटा x, अब तुम वही करो जो साइन बीटा के लिए तुम करते थे सेम, ठीक है, सो मतलब ये फाइंड करते थे ना, सो इसको आप ये वाला फाइंड करो अलग से, बस इतना ही करना है, तो ये हो जाएगा, तो करके देखो क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का, आप लोग ट्राई करो इस लॉजिक से,
और इनफैक्ट क्या होता है, यहां पे तो साइन मैंने लिख दिया, इनफैक्ट ये रूल किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है, मतलब ये रूल यहां पे तुम्हारा कोई भी जी एक्स है मान लो इनटू जी एक्स, सो उस जी एक्स के लिए वैलिड है, मतलब ई की पावर लैम्डा एक्स को छोड़ के, ठीक है ना। सो उस तरीके से जी सी एफ तो हमने निकाल ही रखा था पहले, बस पी आई निकाल लेते हैं। सी एफ तो पिछले क्वेश्चन में किया ना, तो सी एफ वही रहेगा पी आई। हाँ क्या होगा, चलो तो एक बार करके देखता हूँ, मैच करना है इसको। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो अब क्या करोगे तुम, e की पावर x को लेफ्ट में ले आओ, तो ये d जहां जाए उसको d प्लस वन रखना पड़ेगा, ठीक है साइन x। अब क्या है e की पावर x, अब इसको ओपन कर लो पूरा, सो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी थ्री डी प्लस वन प्लस वन प्लस वन थ्री, चेक कर लो साइन x, ठीक है ना। तो इस रूल के हिसाब से डी स्क्वायर को माइनस वन रख दो, सो ई एक्स डी स्क्वायर को माइनस वन रख दोगे तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, सो थ्री डी माइनस टू साइन एक्स, यही ना, थ्री डी माइनस टू साइन एक्स हो गया। अब फिर से डी स्क्वायर बनाना है, तो डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, प्लस टू, एक मिनट मिनट मुझ जाओ जाओ, अच्छा सॉरी हाँ प्लस टू, ठीक है। सो अब इसको फिर से डी स्क्वायर बनाना है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, सो थ्री डी माइनस टू, तो ये हो जाएगा नाइन डी स्क्वायर माइनस फोर साइन एक्स। सो यहां से आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स, अब डी स्क्वायर फिर से माइनस वन रख दोगे तो यहां तो माइनस थर्टीन हो जाएगी, और न्यूमरेटर में थ्री साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, ये हो गया आंसर, चेक कर लो। साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, मतलब नहीं 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 वो नहीं कर सकते, रूल सिर्फ ई एक्स के लिए है। हाँ ई एक्स का कुछ नहीं करना, ये आंसर हो गया, ई एक्स का कुछ नहीं करना, तो रूल सिर्फ ई एक्स के लिए है। सो इस तरह से तो मुझे बहुत ज्यादा, देखो तुम्हें बहुत ज्यादा डीप, हालांकि इस टॉपिक को तुम देखोगे तो बहुत है ना, जो मैथ्स उसमें तो बहुत डिटेल में आता है, बहुत डीप में, जैम मैथमेटिक्स या नेट गेट मैथमेटिक्स में तो बहुत डीप में टॉपिक है, लेकिन चूंकि तुम लोग का स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है तो बहुत ज्यादा डीप तो पूछेंगे नहीं, है ना, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें आइडिया हो इस तरह की चीजें का, कि e की पावर लैम्डा एक्स है तो कैसे करेंगे, साइन एक्स कैसे करेंगे, प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे, कॉन्स्टेंट है तो कैसे करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया ये सब चीजें। बाकी एक बार बुक में जस्ट देख लो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक जो तुम फॉलो करते हो, यू कैन सी, ये भी बुक देख सकते हो, ये एमडी रायसिंघानिया की है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बहुत डीप में टॉपिक, बहुत डिटेल में भी है, तो यू कैन सी। लेकिन तुम्हारे एग्जाम का लेवल तो पिछले साल के पेपर के हिसाब से देखो तो पी आई तो पूछा ही नहीं, सिर्फ सी एफ पे पूछा है, दो क्वेश्चन आया वो भी दोनों एक सॉल्यूशन पे बेस दे कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री टू हो जाएगी, सॉरी नॉट डिग्री, गलत बोल दिया, दो आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर टू हो जाएगी ये पूछा था, और एक था कि जब सॉल्यूशन दे रखा है बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो तुम सीधा वो तुम सी एफ निकाल लो उसका और जड़ी इक्वेशन से, तो उससे आंसर आ जाएंगे। कौन सा वाला बताओ, बताओ क्वेश्चन, बताओ क्या है, बताओ क्वेश्चन बताओ। जी 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 चलिए चेक करते हैं, तो आप डाउट डिस्कस कर लेते हैं 5-10 मिनट तक।
भेजा तो इसने आदित्य ने भी है, तो तुम्हें बताना है क्या भाई? तो आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं 86 पूछना है आपको, है ना? तो 86 जो कह रहा है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to 2x minus 1 upon x square into y plus 1. तो ये कुछ ऐसा हो गया dy by dx, इसको इधर बुला लो प्लस में, तो मैं इधर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने उधर बुला लिया, 2x minus 1 को 1 minus 2x कर दिया. सो ये कुछ ऐसा हो गया dy by dx प्लस px into y बराबर qx, और ये क्लास 12 में भी ये फॉर्म है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप चेक करो इसका ऑर्डर क्या है. ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? ये क्या कर रखा है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, तो डिफरेंस नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन. तो कोई दिक्कत तो है नहीं क्या? इसमें क्या डाउट है आपको? हाँ हाँ, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑप्शन जो है पहला आज करेक्ट है. डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है? वो रिकर्सिव, जो रिकर्सन होता है ना, ये इसको जैसे ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस टू, इस तरह के सीक्वेंस आपने देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव सीक्वेंस बोल दो, या रिकर्सन बोलते हैं, या इंडक्शन, इंडक्टिव होता है. सो इस डिफरेंस इक्वेशन इससे आता है. तो डिफरेंशियल में डेरिवेटिव होता है, डिफरेंस में क्या होता है कि ये सीक्वेंस इस तरह से रिलेशनशिप होगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. डिफरेंस इक्वेशन इसके टर्म में डिफाइन होता है, मतलब जो आपने पढ़ा ना, जो क्या होता है रिकर्सिव, कोई सीक्वेंस है या कोई फंक्शन है, ये तो सीक्वेंस का एग्जांपल दिया, फंक्शन भी हो सकता था. लाइक फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स प्लस वन आपने देखा होगा होता है एफ एक्स प्लस टू, तो ये कैलकुलस में हो गया, तो ये भी एक डिफरेंस इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा इसमें. तो यहाँ क्या है कि एफ एक्स पे एफ एक्स प्लस वन डिपेंड कर रहा है, लाइक तो ये रिकर्सिव इक्वेशन इस तरह के बोलते हैं. रिकर्सिव होता क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म पर डिपेंड करेगी. तो ये चीज है, ठीक है, ओके है. तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया? ए ऑप्शन दिया है कि नहीं? अच्छा ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा. चलिए नेक्स्ट देखिए, जो ललित ने भेजा है 44 नंबर, इसने कहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मड बाई फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर एक्स प्लस बीटा ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब. तो बोल रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? हाँ, तो इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो उससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू होगा, ठीक है ना? तुमने अभी देखे होंगे, डिग्री नहीं बता सकते, डिग्री कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट से डिग्री. ऑर्डर हाँ कैसे निकालेंगे, क्लास 12th में भी टॉपिक है ये, तुम एक बार क्लास 12th का रिवाइज कर लेना. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में है, तो मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, हालांकि तो वहां फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है. तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका ये है आपके पास कि अगर आपको ये जानना हो कि वो डिफरेंशियल, यस यस, तो वो तो रूल है उससे ही हो गया, लेकिन आपको अगर ये जानना है किसका सॉल्यूशन है, तो उसके लिए तरीका ये है कि एक्स वाई बराबर अल्फा ई की पावर एक्स प्लस बीटा ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब. तो यहां से पहले तो वाई निकाल लो, सो अल्फा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स बीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करो, देखो ये तुम्हारे पास ये पहली इक्वेशन आई, तुम इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, वाई डैश निकालो पहले, तो ये सेकेंड इक्वेशन आएगी, y डबल डैश निकालो ये थर्ड इक्वेशन आएगी. अब तुम्हारे पास दो अननोन है, तो तुम्हें क्या करना है कि मान लो पहले दूसरे इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल लो और बीटा की वैल्यू निकाल लो, और इन दोनों वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में डाल दो, तो वो आंसर है. समझ आया कि नहीं? तुम्हें आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना?
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते, सॉल्यूशन में आते हैं, तो तुम्हें इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, हटाना है। तो तुम्हारे पास अल्फा बीटा है, यहां भी अल्फा बीटा आया होगा, सो ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू आएगी वाई वाई डैश के टर्म में, तो यहां से तुम्हें अल्फा बीटा आ जाएगी वाई डैश के टर्म में। उस अल्फा बीटा की वैल्यू को जो तीसरी इक्वेशन है तुम्हारा डबल डेरिवेटिव निकाला है, अल्फा बीटा के जगह पर रिप्लेस कर दो, तो उसमें कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, तो वो तुम्हारा आंसर हो गया, वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसका सॉल्यूशन ये है। एक्चुअली क्लास 12th में चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जाके ये टॉपिक देखो एक बार, एक उसको जरूर रिवाइज कर लो, क्योंकि बेसिक्स ही आएगा, बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए, 12th क्लास में है ये टॉपिक। हां जी विपुल, तो क्या ये 101 कह रहा है कि कंसीडर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विद CDF, लिख रहा है PDF, सॉरी PDF, गिवन x बराबर x रैंडम वेरिएबल y फॉलोज यूनिफॉर्म दिस, क्या दिक्कत है इसमें? ये जो क्वेश्चन तुम्हारा 101 है, इसमें बता रखा है कि तुम्हें x का PDF दे दिया, सो PDF है 2x जब x 0-1 के बीच है। अब तुम्हें बता रहा है कि y गिवन x जो है वो यूनिफॉर्म माइनस x टू x है, ठीक है, y गिवन x यूनिफॉर्म माइनस x टू x है, सो तुमसे पूछ रहा है ये कि बताओ प्रोबेबिलिटी मॉड y लेस देन इक्वल टू, नहीं लेस देन x क्यूब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा ना। पहले तो यहां से मुझे ये बताओ क्या तुम जॉइंट निकाल पाओगे, यहां से मुझे बताओ f of y given x, कोई बताओ मुझे क्या होगा इसको देख के, अरे उल्लू मैं बोल रहा हूँ y given x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म माइनस x टू x, तो यूनिफॉर्म माइनस x टू x का पीडीएफ बताओ। यस यस ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब जो आप बता रहे थे वो बताइए, जो बता रहे थे विपुल बता रहा था, तो अब वो बताओगे तो ज्वाइंट आ जाएगा ना, ये आपको मैंने यहां से पूछा था, ये बताओ अब इसका फॉर्मूला जो आप बता रहे थे कि ज्वाइंट अपॉन एक्स का मार्जिनल, यही ना? हाँ, सो यहां से बताओ ज्वाइंट आएगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तुम्हारा 2x ही है, तो ये 1 हो गया आपका जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, समझ आया कि नहीं? देख लो क्या किया मैंने, मुझे बता रखा है y गिवन x यूनिफॉर्म माइनस x x है, तो इसका पीडीएफ 1/2x हो गया। अब ये इसका फॉर्मूला लगा दिया, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 2x ही है, तो उधर गया 2x 2x कैंसिल, तो ज्वाइंट आ गया 1, मतलब ज्वाइंट जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल 0 1 पे। अच्छा ये तो x हुआ, y कहां से कहां तक है, y बताया कि नहीं, ये तो x हुआ माइनस 1 से 1, y कहां से कहां तक है ये बताओ, यहां दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा है आपको, यस, सो y जो है माइनस x से x में है और x जो है 0 से 1 में है एक्चुअली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज्वाइंट आ गया तो क्या ये नहीं आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ज्वाइंट पीडीएफ dx dy, इसको इंटीग्रेट किस रीजन पे करोगे, ये इसके ग्राफ बना के, समझ आया कि नहीं? अच्छा लिमिट नहीं, इधर ग्राफ बनाना आता है इसका, चलो ग्राफ बनाओ। सो पहले तो यहां से y बराबर माइनस x टू x है ना, सो मतलब मॉड x एक्चुअली है ना, y जो है, सो y बराबर है जो तुम्हारा ये है, सो y की वैल्यू माइनस x टू x, तो ये है y बराबर x और ये y बराबर माइनस x, x है 0 से 1 में, सो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि मॉड y लेस देन x, यही है ना तुम्हारा, तुम्हारा क्वेश्चन में है मॉड y लेस देन x, यस, सो मॉड y लेस देन x है, ये कौन सा रीजन होगा, कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये 0-1 पॉइंट ले लिया, 0-1 हुआ ना, 0-1 को चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है इसमें, कैसे ट्रू हो गया, x 0 y 1 है, हाँ वही तो, x 0 y 1 है, फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन इस साइड नहीं इस साइड है, सो ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, उधर नहीं है, ये इनइक्वालिटी है y बराबर mod x, सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया, अच्छा सॉरी एक तो ना मुझे देखना है यहाँ पे, ध्यान से जरूर जाओ,
चूंकि मुझे देखना है मॉड वाई लेस देन एक्स है, नॉट वाई बराबर मॉड एक्स, तो इसका ग्राफ एक मिनट ठीक से बनाना पड़ेगा। हाँ वो तो बाद में बनाएंगे, पहले तुम वो तो बना लो, पहले तुम सैंपल स्पेस तो डिसाइड करो तुम्हारा। सो वाई की वैल्यू माइनस एक्स एक्स में है, मतलब क्या है मॉड वाई लेस देन एक्स, तो मुझे एक्स बराबर मॉड वाई का ग्राफ बनाना। एक्चुअली दूसरा मैं गलत कर रहा था, मैं क्या बना रहा था वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था। सो ये हमारा सैंपल स्पेस है ना भाई, ये है मेरा सैंपल स्पेस, और वो तो इवेंट है जो तुम बात करो, ये ओमेगा है, वो इवेंट है तुम्हारा। वो क्या इवेंट है तुम्हारा क्वेश्चन में, इवेंट है मॉड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इवेंट है तुम्हारा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले सैंपल स्पेस का ग्राफ बनाओ, फिर इवेंट का ग्राफ बनाओ उसके अंदर। तो सैंपल स्पेस का ग्राफ बनाओगे तो यहां मुझे ग्राफ मॉड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स सैंपल स्पेस में। सो मतलब एक्स बराबर, जब भी इनइक्वालिटी अगर आप बनानी, पहले आप इक्वालिटी अगर आप बनाओ तो एक्स बराबर मॉड वाई, तो एक्स बराबर मॉड वाई जो होगा ये था ना, तो ये होगा एक्चुअली वाई बराबर मॉड एक्स, वो होता है ठीक है ना। सो एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर माइनस वाई, ऐसे क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है ना। सो आपको अब ये देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या थी, हालांकि यहाँ पे x ना एक्चुअली x यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस साइड लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो y बराबर x बराबर मॉड y है ना, तो मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता कभी, तो x नेगेटिव साइड जाएगा नहीं, तो ये ग्राफ हो गया। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 में, x है 0 से 1 में। सो फाइनली कहने का मतलब कि ये हमारा आया सैंपल स्पेस, तो यहाँ है y बराबर क्या बोलोगे, तो यहां x बराबर y और यहां x बराबर माइनस y, ठीक वही बात है, y बराबर माइनस x, y बराबर x, तुम्हें जैसे समझ आ रहा हो ठीक है ना, तुम इसको लिखो y बराबर x और y बराबर माइनस x, जैसे समझ आ रहा हो। अब ये तुम्हारा क्या आया सैंपल स्पेस, अब क्या ग्राफ बनाओ, सो y बराबर x क्यूब का मॉड y बराबर x क्यूब का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाना आता है, ये लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन एक्चुअली, तो ग्राफ बना लो इसके अंदर, इस पे इंटीग्रेट कर लो, तो यहां से खोलोगे तो आएगा वाई बराबर प्लस माइनस एक्स क्यूब। सो वाई बराबर एक्स क्यूब क्या होता है, ग्राफ बना आता है एक्स क्यूब ग्राफ बनाना, ये कौन सा पॉइंट है, इस तरीके से कुछ, हाँ तो क्या दिक्कत आ रहा तुम्हें अब, मतलब अरे तो वो x क्यूब का है, x क्यूब मुझे नहीं चाहिए, मुझे हो गया माइनस x क्यूब चाहिए मुझे, अब तुम ये बना रहे हो x क्यूब का है, और मैं बोल रहा हूं आगे अब ये ऐसे ही माइनस x क्यूब का ग्राफ क्या होगा, हाँ तो ये जो है ये y बराबर माइनस x क्यूब है और ये y बराबर x क्यूब है। अब तुम इसमें कोई पॉइंट लेके टेस्ट कर लो, रीजन कौन सा है, बीच वाला या ऊपर वाला है, कोई पॉइंट, यही पॉइंट ले लो, ये क्या था 1,0 1,0 यहाँ रख के देखो जी, x1 y0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला तुम्हारा रीजन है। अब इस ब्लैक रीजन पे इंटीग्रेट कर लोगे, ये भी करके दिखाऊं, So, ये रीजन है तुम्हारे पास। सो ये जो कर्व है वाई बराबर एक्स क्यूब, ये है वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब, अब इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, तो तुम्हें जो क्वेश्चन था तुम्हारा, अब ये उस रीजन पे इंटीग्रेट करो, इसको जॉइंट लिखो और इंटीग्रेट करो उस पे, हो गया तो आंसर आ जाएगा ठीक है। ऐसे 8 बजे में दूसरी क्लास थी, लेट हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में बाकी डाउट कराते हैं ठीक है। सो मतलब बाकी जो डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पूछना है, नेक्स्ट कल क्लास में, कल 6 से 8 में पूछना, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास थी 8 बजे। चलो ठीक है, थैंक यू है ना।